वेलकम सर, बैठिए। मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। सर कितना है सर? 50,000। ओके सर। सर इस पेपर पर साइन कर दीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए, ये लीजिए। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने 1 रुपए किलो चावल की योजना शुरू की है और उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में कोई भी गरीब इंसान भूखा नहीं सोएगा और उन्होंने कहा कि इस राज्य को आगे बढ़ाने में सबका सहयोग होगा। इस योजना की वजह से गरीब जनता काफी खुश है। ये लीजिए चीचा जी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे हैं, कमीशन भी नहीं मिल रहा है। सरकार में जाने वाले हो लेकिन हम लोगों की थोड़ी भी इज्जत नहीं है। जैसे शादी होने के बाद हमारी बीवी हमसे अलग रहती है, वैसी हालत हो गई हमारी। हमारे ही लोग कह रहे हैं कि हम लोग क्यों नहीं खड़े हो सकते। उधर जाइए ना जीजू। देखो साले साहब, संसद पर शासन करने की शक्ति राजनीति में, राजनीति को चलाने की शक्ति नेता में, और नेता को बदलने की शक्ति सिर्फ जनता में होती है। उन्हें जनता पसंद है और जनता को वो पसंद होते हैं। पहले तुम जनता के बारे में सोचो, फिर जनता तुम्हारे बारे में सोचेगी। सर हमें IIT कैंपस जाना है। ओके। यार ये गोल्ड मेडल में गोल्ड कितना होता है? लगभग 30 ग्राम होगा। वो सारा सोना तो एक दिन में पार्टी करने में ही चला जाएगा। तुम सब अपने मेडल्स मुझे दे दो, मैं चेन बनवा लूंगी। अच्छा। क्या बात है। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल चेयरपर्सन मिसेस कविता रेड्डी टू कम ऑन टू द स्टेज। Our principal Lakshmi Narasimha ji, our professor Indra Jha ji. Let's welcome our honorable home minister Mr. Jawahar Reddy ji. Now I request him to present the gold medals to the students. Mr. Nandakishore in chemical. All the best. Thank you sir. Thank you. Mr. Rudra Shekhar in electrical. Thank you, sir. Thank you so much. Mr. Gautam Krishna in computers. And Ms. Rupa Parekh in electronics. Now I request our Home Minister to give some valuable words to the students. यहाँ उपस्थित सभी विद्वान विद्यार्थियों और अध्यापकों को मेरा नमस्कार। मैं विद्वान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप यहां हैं तो आप विद्वान हैं। जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, हम सोचते हैं भ्रष्टाचार खत्म करने से या राजनेताओं को बदलने से इस देश का भला होता है। नहीं, असली बदलाव तब आता है जब हम आविष्कार में बदलाव करते हैं। हमारे देश में संपदा आती है। हमने अब तक कितने आविष्कार किए हैं और कितने दिन? आर्यभट्ट का आविष्कार शून्य, कृष्ण का आविष्कार गीता, गांधी का आविष्कार अहिंसा मार्ग, इन्हीं सब की बातें करते हैं। किसी के बनाए सॉफ्टवेयर पर काम करने में हम ही फास्ट हैं। वी आर नंबर 1 इन सॉफ्टवेयर, वी नेवर इन्वेंट एनी प्रोडक्ट। गांधी जी के सपने पूरा करने से नहीं, अपने और अपने माता पिता के सपने को पूरा करना होगा, तभी इस देश का भला होगा। जय हिंद। Yes! We never invent any product. गांधी जी के सपने पूरा करने से नहीं, अपने और अपने माता पिता के सपने को पूरा करना होगा, तभी इस देश का भला होगा। जय हिंद। सुना है आपको निकालने का प्लान कर रहा है सर? हाँ सर, मैंने भी सुना है। बापे राज, तुमने उस दिन कहा था तुम्हारे साले को MLA की सीट चाहिए। जी सर। 5-6 सालों से PA का काम कर रहे हो और तुम अपने साले के लिए सीट मांग रहे हो?
25 साल से पार्टी का झंडा उठाने वाला सीएम बनना चाहे तो उसमें गलत क्या है? कोशिश करने दो। ओके सर। इसके बारे में आपको कुछ तो सीरियसली करना होगा सर। कुर्सी के लिए धोखा षड्यंत्र रचना मुझसे नहीं होगा। जब तक जनता चाहेगी तब तक इस कुर्सी पे रहूंगा। मैं तो रस्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। टनन 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 टन 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 टन, मैं तो लड़की घुमा रहा था। ए शी, चल हट। मुझे बहुत चढ़ गई है। बियर और विस्की मिलने पर ऐसा ही होता है। What next? बिरयानी लेकर आते हैं भाई। लाइफ में कोई नया बिजनेस शुरू कर लेंगे। होटल का बिजनेस कर लेते हैं यार, डेली खाना खाएंगे। I think it's better to join a best company. बिजनेस के लिए, सैलरी के लिए सब लोग तो काम करते ही हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। तो क्या करें? पार्ट टाइम जॉब करते हैं, एक बार सेटल हो जाएं बस। पार्ट टाइम जॉब? क्या चोरी करनी है? यस, यू आर राइट। तू पूरी उतर गई, पता नहीं क्या बोलता है। अबे मैं तो मजाक कर रहा था यार। अच्छा, नशे में बोल रहे हो क्या? अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ, वी कैन डू विदाउट प्रूफ। तूने इतनी पढ़ाई यही काम करने के लिए किया है क्या? अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है यार, सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ घूमती है तो वो अच्छी है, अगर वही लड़की किसी और के साथ घूमे तो। एक हीरो चोरी करके करोड़ों रुपए कमाता है, फ्लैशबैक में मां की दवाइयां खरीदने के लिए वो चोर बनता है, ऐसा दिखाने से फिल्म हिट हो जाती है। हीरो मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए चोरी करे तो वो भी ठीक है, लोग उसे सही मानते हैं। हमारे कानून में चोरों के लिए कोई सजा है ही नहीं यार, चोर बुरे होते ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत अच्छी चीज है। समझ में नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, तुम अपने दो जानने वालों का नाम बताओ। मैं तुम्हें एक नाम बताता हूं, अशोक। अशोक महान था, अच्छा था, कलिंग के युद्ध में युद्ध जीतने के लिए बहुतों को मारा था उसने, ऐसा इतिहास में बताया गया है। लेकिन पहले किसे मारा पता है? और वही लाखों के मरने का कारण भी बना है, तो फिर वो अच्छा इंसान कैसे हुआ? गांधी जी? अगर गांधी जी लोगों को अहिंसा के मार्ग पे चलना सिखाते थे तो स्वतंत्रता के बाद जात की लड़ाई में लाखों लोग कैसे मर जाते? उसका कारण कौन था? उसके लिए वो बहुत दुखी हुए थे। लाखों लोगों के मरने पे मैं भी बहुत दुखी होता हूं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अगर हम पकड़े गए तो हम चोर कहलाएंगे, नहीं पकड़े गए तो सोसाइटी के हॉनरेबल चीफ्स होंगे। पैसों के लिए चोरी करना जरूरी है क्या? तू जब रोड पे चलता है तो गिरे पैसे उठाता नहीं है क्या? 1,000 रुपए देखे तो थोड़ा सोचता है तू, लेकिन उठाता जरूर है। और अगर लाख दिखे तो लकी समझ के उसको भी रख लेता है। वो पैसे कभी तो किसी को वापस करता है क्या? कीमत के बदलने पर ही तरीका बदलता है मेरे दोस्तों। अगर कंपनी में जॉब करेंगे तो महीने में एक बार सैलरी मिलेगी,
साल में एक दो बार इंसेंटिव मिल सकता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लैक्स, इंटरेस्टेड इन करोड़। एक बार कमा लिया ना तो पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। पकड़े गए तो क्रिमिनल्स होंगे, नहीं पकड़े गए तो प्रोफेशनल होंगे। तेरी बात सुनकर मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है यार। यू आर राइट। ओके, तो क्या करें? बैंक रॉबरी। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए क्या? चोरी के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, लूटने के लिए साहस चाहिए। बी रेडी फॉर इट। मॉर्निंग। नंदू आया? हम दोनों भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। आपके पसंदीदा गाने के लिए कॉल कीजिए 0402366236। बहुत बोर हो रहा है यार। उसने नंबर दिया है ना, तो कॉल कर। गुड आइडिया। हेलो, वेलकम टू माँ म्यूजिक। मैं हूँ आपकी सुनीता। अपना नाम बताएंगे? रुद्र शेखर नाम है मेरा। रुद्र या फिर शेखर? दिखने में समझदार लगती हो, पता नहीं लगा सकती क्या? ठीक है, अपने बारे में बताइए। नाम है शेखर। हाँ? एज है 22+1। हाइट 5.11। वेट 121। तेरी तो याद है। सुनिए, आपने इतने बकवास सवाल पूछे, अब मैं पूछता हूँ। जरूर पूछिए। जब आपने चैनल ज्वाइन किया था तब आप दुबली थी, अब आप मोटी हो गई हो। आपको तनख्वाह के साथ खाना भी मिलता है क्या? क्या मतलब? आपको समझ नहीं आया? बाप रे, ये सारी बात लाइफ पे नहीं करते हैं। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, अब हम पर्सनल बातें करते हैं। शाम को इंदिरा पार्क आएंगी? ए भगवान, ये टीवी एंकर बनने से अच्छा रिपोर्टर बनना ही बेस्ट है बाबा। हेलो, बस कर यार। क्या है? IBMD बैंक में हवाला के जरिए अनियमितताएं होने की वजह से RBI की तीसरी कमेटी ने आज अपना बयान देते हुए कहा है कि सदरा बैंक में कोई अनियमितताएं नहीं है, ये बात स्पष्ट की गई है। We never found such kind of money in this bank. हमें इसी बैंक में चोरी करनी होगी। कमेटी कह रही कि कुछ नहीं है। शक एक बार हो तो समझ में आता है, लेकिन इसने 3 बार कराया है, मतलब देयर इज समथिंग। बट हाउ कैन वी फाइंड इट? हमें यही तो करना है। गौतम, तू बैंक सर्वर हैक कर। या, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट यार। ओके, ये देख उसमें किस टाइप के अकाउंट्स हैं, कस्टमर कौन कौन से हैं, किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये तुझे पता लगाना है। ओके, लेट मी डू। या, गॉट इट या। करंट अकाउंट में 3,000 लोग हैं, SB में 5,000, SBM में 500 कस्टमर्स है यार। एक एक अकाउंट में कितने हैं देख जरा। SB अकाउंट में 100 करोड़, करंट अकाउंट में 80 करोड़, SBM में 20 करोड़, टोटल मिलाकर 200 करोड़। SBM में कितने लोग हैं? SBM में 500 लोग हैं यार। 500 मिलियनर्स के पास सिर्फ 20 करोड़ रुपए?
समथिंग इज रॉन्ग. चेक कर तो इसमें कौन कौन है. ओ तेरी, इसमें सब पैसे वाले ही है यार. एमएलए है, सिनेमा एक्टर्स है, बिजनेसमैन है. इनके पास इतने कम पैसे होंगे ये चांस ही नहीं है. इसके हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक दे आर डिपॉजिटिंग अ लेस अमाउंट एंड स्टोरिंग अ मोर अमाउंट. यस, वी नीड टू फाइंड इट. फर्स्ट वी नीड अ स्मॉल कैमरा. Yeah, look at this guys. कैमरे के लिए बोला तो पेन लेके आ गया. जरा इसे ध्यान से देखो. स्मॉल पेन कैमरा के साथ हाई रेजोल्यूशन एंड वॉइस रिकॉर्डर. इससे वीडियो ही नहीं ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. सच में यार तो कमाल है. और वो प्रोडक्ट है अमेजिंग वीडियो रिकॉर्डिंग. व्हाट नेक्स्ट यार. हमें एक बकरा चाहिए. सर नमस्ते. सर नमस्ते. मैं आपका फैन हूँ सर. अच्छा? हाँ सर. फोटो चाहिए? हाँ सर. हमारी पेन नाम की कंपनी है सर. हमारी नई कंपनी है, लॉन्च होने वाली है, इसलिए ये सैंपल पेन पहले आपको दे रहे हैं. ये लीजिए सर. कैसा लग रहा है? वाह, सच में हमारे पेन को चार चांद लग गए. इससे हमारा पेन बहुत फेमस हो जाएगा सर. अच्छा? हाँ. अगर ऐसा कुछ है तो मेरे घर भेज देना. जरूर सर. मैनेजर अंदर है सर. वेलकम सर. वेलकम. आइए बैठिए. पैसे लेकर आया हूं मैं. कितने सर? 20,000. ओके सर. इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए. मेरे पैसे तो सेफ रहेंगे ना? है ना सर, आप देख लीजिएगा. आइए. लेट मी एंटर माई पासवर्ड. और अब आपको दिया गया पासवर्ड डालिए. अच्छा, इस डब्बे पर आया है क्या? गुड मॉर्निंग सर, हम ड्रीम क्लब से आए हैं. अच्छा. हमने क्लब में एक छोटा सा कॉन्टेस्ट रखा है. आप इस फॉर्म को भर दीजिए. अगर आप इस ड्रॉ में जीतते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री ट्रिप पे ले जाया जाएगा सर. अच्छा. फ्री में मसाज करने को मिलेगा. हाँ, थाई मसाज. अच्छा? क्या बात है, आज मुझे बड़े ऑफर मिल रहे हैं. छे, उसका दिया हुआ पेन काम ही नहीं कर रहा है. मेरा पेन ले लीजिए सर. क्या बात है भगवान, आज मुझे तू बड़े अच्छे अच्छे ऑफर दे रहा है. थैंक यू सो मच सर. और कितने पैसे हैं? बैलेंस है 10,00,000, मतलब 10 करोड़ है सर. इसका मतलब बहुत है, सबका ध्यान रखना. इससे पुराने जमाने में राजा लोग अपना खजाना छुपाते थे, और जैसे गांव वाले भी अपनी संपदा गोडाउन में छुपाते थे, ऐसी चोरी को क्या छुपा रहे हैं यार. तब में और अब में कोई फर्क ही नहीं है, ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा देश यार. गाइस,
लेट्स स्टार्ट अ वर्क नाउ। हमें कोई डोर ब्रेक नहीं करना है, किसी भी कैमरे में हमारी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, कोई भी लॉकर हमें तोड़ना नहीं है, किसी को हमें दिखना भी नहीं है। हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है, सब कुछ प्यार से निपटाना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट टास्क वन, सिक्योरिटी। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं यार, पैसे ज्यादा है ना इसलिए। बैंक तो दिखने में छोटा है, इतना पैसा होगा क्या? अब मैच बॉक्स है क्या? थैंक यू सो मच। क्या काम कर रहा है? जस्ट वेट यार। तुझे कुछ दिखाता हूं। ये ले कॉफी लेना है। थैंक्स यार। कॉफी तो मस्त है यार। एंड नाउ टास्क टू, कैमरास। Yes, it's ready. Yes, let's check it. Take a video. थोड़ा साइड में थोड़ा। Yes. Hey, ये मेरा फोन है। कैमरा तो काम ही नहीं कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वेव्स की वजह से कैमरास जाम होते हैं। इससे हम सीसी कैमरा भी जाम कर सकते हैं? या डेफिनेटली। Next, task 3.
कीज। स्मार्ट वॉच रेडी है यार। ये क्या काम करेगी? जरा रुको, बताता हूं, मेरे साथ आओ। टास्क 4 पासवर्ड्स। मैं रीसेट कर दूंगा, मुझ पर छोड़ दे। भाई मेरा एक सवाल है, प्रूफ के बिना चोरी करेंगे तो पैसे लेकर कैसे जाएंगे? अकाउंट ओपन करवाना है मैम, कहां जाना होगा? अकाउंट ओपन करवाना है। उधर जाना है, ठीक है। किस तैयार है? तो फाइनल काम किस दिन करेंगे? ट्वेल्थ को प्लान करेंगे तो 13, 14, 15 गवर्नमेंट हॉलीडेज होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतनी जल्दी मुहूर्त भी फिक्स कर लिया, तो बहुत फास्ट है यार। फास्ट नहीं, फेस्टिव। जनवरी 13, 14, 15 संक्रांति फेस्टिवल होता है, उस दिन जब सब त्योहार मनाते रहेंगे तब हम चोरी करेंगे। Thank you.
सर नमस्ते। हैप्पी पोंगल सर। हैप्पी पोंगल सर। मुबारक हो पोंगल की बधाइयां। हां नमस्ते। हैप्पी पोंगल। हैप्पी पोंगल। भाई भाई क्या हुआ भाई 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 क्या हुआ भाई 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 क्या हुआ भाई बोलो भाई भाई क्या हुआ भाई भाई बोलो भाई क्या हुआ भाई 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 उठो उठो Entered main door. सभी कैमरे जाम हो गए। hey, जल्दी आ। हम लॉकर रूम में पहुंच गए। Crores collected.
पासवर्ड रीसेट कर। एंजॉय। मैनेजर के रूम में जा रहे हैं। सर्वर डाउन हो गया यार। What? सर्वर डाउन हो गया है। God damn it! सर्वर डाउन, सर्वर डाउन। Keep walking, keep walking, keep walking. Keep walking, यार, try again. यार, जो पैसे उसी के साथ चलते हैं ना, हम आए ही उसके लिए। ये ठीक कह रहा है यार, चलो चलते हैं। ठीक है, चलो ना। हाँ हाँ हाँ। हेलो सर, मैं IDFC बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ सर। बैंक में रॉबरी हो गई है सर। ओके ओके, आई विल टेक केयर ऑफ इट। स्पेशल ऑफिसर को बुलाओ। पुलिस ड्रेस में इतनी सुंदर लग रही हो, साड़ी पहनोगी तो? थैंक यू सर। ओहो, शर्माती भी हो। यूनिफॉर्म कहाँ है? यूनिफॉर्म ड्यूटी पे ही पहनता हूँ। हाँ पवन, आ गए। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। पवन, IBMG बैंक में रॉबरी हुई है। मैनेजर मेरा बहुत ही खास आदमी है। ओके सर। सो यू हैव टू इन्वेस्टिगेट दिस। श्योर सर, आज ही स्टार्ट कर दूंगा। ओके। सर, सर नमस्ते सर, मैं ही यहाँ का बैंक मैनेजर हूँ सर। सर सारे डोर्स वैसे ही लॉक हैं सर, लेकिन पैसे गायब हो गए। तुम ही ने चुराया है? सर ये बैंक मेरा ही है सर। बैंक तुम्हारा ही है लेकिन पैसे तो तुम्हारे नहीं है ना। सुना है बैंक में रॉबरी हुई है, क्या ये सच है? आपको किसी पर शक है क्या सर? मुझे आप पर शक है। मुझे और मैनेजर के अलावा कोई नहीं जानता कि यहाँ रॉबरी हुई है। तो आपको कैसे पता? वैसे किसने किया सर? ये पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेट करना होगा। क्यों किया है जानने के लिए इंटरोगेट करना होगा। ऐसा करने के लिए पहले आपको इसे छोड़ना होगा। बैंक कस्टमर्स मंडे मॉर्निंग 10:30 से पहले आकर अपने पासबुक दिखाकर अपना अमाउंट ले जा सकते हैं। पर्टिकुलर डेट बता रहे हैं, आपने चोरी किया क्या? काउंटर है, एनकाउंटर में जाएगा,
IBMD बैंक में 200 करोड़ की रॉबरी हुई है ये जानते हुए भी। कस्टमर्स को ये कहना कि मंडे को आकर पैसे ले जाए, ये कहना उनका घमंड है या ओवर कॉन्फिडेंस, जानने के लिए देखिए सिक्स टीवी। बैंक चले सर? कैसे चुराया इससे हमें क्या, चुराकर कैसे गए हैं हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। प्रूफ के बिना रॉबरी करेंगे, लेकिन पैसे कैसे लेकर आएंगे? कैमरास 11 o'clock को जैम हुए थे। फर्स्ट थिंग, बैंक सराउंडिंग से कौन से कॉल गए हैं पता करो। सेकंड थिंग, बैंक के सर्कल में 11 बजे से 2 बजे के बीच में कौन कौन सी व्हीकल्स गई हैं चेक करो। यस सर। बैंक के सर्कल में 10 बाइक्स, 4 कार्स, 3 कैब्स, 1 लॉरी गई थी सर। चोरी करने के लिए बाइक्स यूज नहीं करेंगे, लॉरीज, कार्स चांस ही नहीं, कैब्स। उन्होंने कहा सारी कैब्स अलग अलग सर्कल में गई थी। सर वैसे क्या कहते हैं सर, अपना मुंह बंद करो और बाहर निकलो। मतलब इतने दिनों से आपकी कार को एक खरोच भी नहीं आने दी। अरे आपकी कार को मैंने अपनी कार की तरह समझा है, और आप हैं कि मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। पूरा छेद ही कर दिए हो, खरोच लगाने की क्या जरूरत है। हाँ सर, मेरे जैसे सिंसियर ड्राइवर की ऐसे बदनामी होती है। क्या बदनामी, कभी दारू पिए बिना गाड़ी चलाया हो? 2 बार तुमको वार्निंग दे चुका हूँ मैं, उसके बाद भी तुमको अक्कल नहीं आई। सर आपने मुझे कभी पीते देखा है क्या? नहीं। तो फिर सुबह पियो तो कहते हैं सुबह सुबह पी लिया, रात को पियो तो बोलो ड्यूटी पे पीते हो। अरे भाई आदमी पिए कब यार, अपनी सेवाएं बंद करो, अब बाहर जाओ। ओके बाय। सर मेरी जान का ख्याल रखना। जाओ जाओ। अरे सॉरी सर, मजा आ रहा है। हेलो मैनेजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 12 तारीख की रात को 12 बजे ये कैब्स किसने बुक की थी, डिटेल्स चाहिए। रात को 11 बजे नंद किशोर, रुद्रशेखर और रूपा ने एयरपोर्ट के लिए बुक किया था सर। सर उस वक्त बैंक के पास के सेल टॉवर से 3 कॉल्स गए थे, उसमें से 1 कॉल की ड्यूरेशन 2 घंटे 13 मिनट है। 2 बजे कॉल कहां से रूट हुआ था पता लगाओ। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो मुझे कुछ टिकट्स की डिटेल चाहिए। देखो भाई तुम्हारे मांगते ही मैं सारे डिटेल्स दे दूं, ये कोई रेड बस नहीं है, एयर बस टिकट्स हैं। वैसे आप ही ऑफिसर हो, इस बात की गारंटी क्या है? अपनी आईडी दिखाइए। ऐसे आईडी तो 100 रुपए में बन जाते हैं। अपने ऊपर वाले ऑफिसर से मेरी बात कराओ। सीएम से करवा दूं तो चलेगा? अच्छा तुम सीएम को भी जानते हो। समझ गया सर, डिटेल्स दीजिए। सर इन नामों के साथ तो न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी के लिए टिकट बुक हुए हैं सर। सेम नेम से बुक हुए हैं, मतलब पैसेंजर्स ही हैं। वी आर नाउ इनवाइटिंग द पैसेंजर्स टू बिगिन द बोर्डिंग एट दिस टाइम, प्लीज हैव योर बोर्डिंग पास। इन तीनों टिकट्स की बोर्डिंग पासेस मिले क्या? लेट मी चेक। नो सर, 3 टिकट अभी तक कैंसिल नहीं हुए हैं और अभी तक बोर्डिंग पास भी नहीं मिला है उन्हें। ओके,
थैंक यू। जनवरी 12 तारीख 12 बजे के बाद। कैब नंबर AP29TV588। सर वो कॉल इंटरनेट के जरिए रूट हुआ था सर, कहां से बता नहीं पा रहे हैं सर। ओके अभी हैकर को बुलाओ। ओके सर। हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं शराबी, शराब ने मेरी जिंदगी बना। अरे ये पैसा किसका गिरा है? मैं शराबी। ये एल्फिल टावर की तरह इतना लंबा क्यों है? सर दही खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है सर। ये क्या है? कहीं इसके पैसे ही तो नहीं गिरे थे? मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। बोलिए सर। जनवरी 12 तारीख आधी रात को एयरपोर्ट में। अरे यही रखी थी यार, कहाँ चली गई? अरे यार कहाँ गिर गई? दिमाग ही नहीं काम कर रहा है मेरा। अरे भाई excuse me। अरे सुनो ना भाई। हाँ कौन है यार? यार एक तो मेरी क्वार्टर नहीं मिल रही है, ऊपर से तुम मुझे परेशान कर रहे हो, जाओ ना। अरे मेरी जान कहाँ चली गई? मिल जाओ। अरे कहाँ चली गई? अरे मिल जाओ यार, टाइम हो रहा अच्छा है। सुनो, अगर मैं तुम्हें क्वार्टर दूं तो तुम चलोगे हमारे साथ? अब सर अरे बाप रे, थैंक यू। बैठिए सर, बैठिए। भाई जरा डिग्गी खोलना, बैग रखना है अंदर। हाँ ठीक है। चलो। अरे सुन ना, तू वहां बैठ। अरे बैठ ना वहां। सुनो ना, मैं ड्राइव करूंगा, तुम बैठो ना। सर आपने मुझे क्वार्टर दिया है, कार कौन सी बड़ी बात है, आइए सर। आइए भाई, बैठिए। ठीक है, चल। थैंक यू भाई। अरे वो बस इतना ही हुआ था सर। हाँ सर। अरे इसने तो पैसे वापस लिए ही नहीं, कमाल है। आईपी एड्रेस ट्रेस हो गया। 3-4 दिन की क्वार्टर का पैसा आ गया, वाह भगवान वाह, क्या बात है। कौन चाहिए तुम्हें? चोर। नहीं मिलेंगे। मिल गए। सिंपली मेरे साथ चलोगे तो चुपचाप लेके जाऊंगा, नहीं तो मार के ले जाऊंगा। हमें मारने वाला मर्द आज तक पैदा नहीं हुआ है। तुम्हें फाइट करना नहीं आता, तुम बच गई, क्योंकि मैं लड़कियों से फाइट नहीं करता। एक दिन में बता दूंगा तो टीआरपी कैसे मिलेगी? आज इसे ब्रेकिंग न्यूज में दिखा दीजिए।
वाई रॉबरी। पकड़े जाएंगे तो हाईलाइट हो जाएंगे, नहीं तो हाई रेंज होंगे। और जेल? जेल में जाएंगे तो बेल पे बाहर आ जाएंगे, वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रैफिक जाम हो गया। गंगाराज वहाँ कितने हैं? लाख करोड़ सर। और यहाँ? 200 करोड़। तो जाम होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। वैसे भी तुम्हें जेल बेल ट्रैफिक जाम ये सब नहीं होगा, डायरेक्टली ऊपर जाम हो जाओगे। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इन लोगों की वजह से मैं भी फंस गया हूँ सर। क्यों ऐसे क्या देख रही है, इतना पसंद आया? देखने के लिए पसंद आना जरूरी है क्या? पसंद आने पर देखने के सिवा तुम कुछ कर नहीं सकते। मतलब 200 करोड़ चुराना गलत नहीं है, लेकिन ये गलत है। जिनके पैसे गए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और निराशा की जिंदगी जी रहे हैं। Well done, Pawan. You have done a great job. No, sir. I've just done my duty only. चलिए अच्छा हुआ, मुझे तो बहुत टेंशन थी सर। सर, आप बुरा ना माने तो होम मिनिस्टर से आपको थ्रेट की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, अब ध्यान से रहिए। बेटी जानवी को किसी ने किडनैप कर लिया है। होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बीच बढ़ते कलेशों के वक्त में ये किडनैप काफी चर्चनीय हो गया है। किडनैप किसने किया, क्यों किया, उनके डिमांड्स जानने के लिए देखते रहिए सिक्स टीवी। किसने किया होगा भाई? टी मास्टर यार। अरे चाय नहीं यार, एचएम की बेटी। भाई जरूर चीफ मिनिस्टर ने ऐसी चीफ हरकत जरूर की होगी। हमने ही कुछ प्लान किया होगा। ए, मैंने कहा वो ऐसा नहीं है। अरे हाँ बहुत बताया। मेरे लिए तो गलत बोलता है। अबे चल छोड़ उसे, क्यों झगड़ा कर रहे हो, नक्सलों ने किया होगा, क्या करोगे? छोटी बच्ची को किडनैप क्यों करेगा तू? उससे तुमको क्या लेने देना, चाय पी के निकलो। नक्सलियों ने ऐसा क्यों किया होगा यार? मुझे क्या पता यार। छोड़ना, हमें इसे क्या करना है। इस राज्य का होम मिनिस्टर होकर भी अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाया तो जनता की क्या रक्षा कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। जब आपकी ही बेटी किडनैप हुई है तो आपका मंत्री बने रहना ठीक रहेगा, ऐसे में आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? कृपा करके इसे राजनीति मत बनाइए, मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए मंत्री नहीं हूँ, मुझे अपने सीएम साहब पर पूरा भरोसा है, वो कुछ न कुछ करेंगे, प्लीज राजनीति मत कीजिए। किसी ने जवाहर रेड्डी की बेटी को किडनैप कर लिया है, यू हैव टू टेक अप दिस केस आल्सो। सर अगर इसे कॉन्फिडेंशियल रखेंगे तभी मैं हैंडल करूंगा सर। ओके गो अहेड। थैंक यू सर। ऑलरेडी होम मिनिस्टर से आपको थ्रेड की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, यहाँ होम मिनिस्टर की बेटी का किडनैप हुआ है, बाय चांस होम मिनिस्टर ने कुछ किया है तो डिपार्टमेंट की हेल्प लेंगे तो होम मिनिस्टर को पता चल सकता है, इसलिए इसे कॉन्फिडेंशियल रखना चाहूंगा सर। Hi guys, how are you?
तुम्हारे लिए अच्छा ऑफर है। होम मिनिस्टर की बेटी का किडनैप हुआ है। हाँ? उस मामले में तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्यों? सवाल मत करो, मेरी बात सुनो। तुम हेल्प करोगे तो इस केस से बाहर कर दूंगा। आप हमें बचाना क्यों चाहते हैं? मैं लड़कियों को तकलीफ में नहीं देख सकता, और जेल में रहे तो बिल्कुल नहीं देख सकता, इसलिए बाहर ले जाकर हम सबको इनकाउंटर में मार दिया तो? इनकाउंटर के लिए ट्रिगर काफी है, इंडोर या आउटडोर फर्क नहीं पड़ता। हम नहीं आएंगे सर। रमी खेलते वक्त लाइफ नहीं मिले तो हाथ का पैक रखकर नीचे वाले पैक से ट्राई करना चाहिए, नहीं तो काउंट देना पड़ता है। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। ओके सर, बहुत तेज भूख लगी है सर, कुछ खिला दीजिए ना। गंगाराज सर, इसे बहुत भूख लगी है, ये पैसे ले जाके अच्छी सी बिरयानी ले। रूल्स के खिलाफ है सर। अपने लिए भी एक ले लेना। तो ठीक है सर। रिश्वत के बिना कोई काम ही नहीं कर रहा है। ये कार वारंगल की तरफ गई थी। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? दोबारा कुछ प्लान कर रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कार लेके आ जाओ। ए याना, कहाँ लेके जाना है सर? मुझे पकोड़े खाने, लेके आ जाओ। हाँ? इस वक्त पकोड़े कौन खाता है? हाँ बोलिए सर, क्या चाहिए? जो गरम होगा ले कर आओ। ओके सर। क्यों लेकर आया? अरे तुम तो गरम हो ना, चुपचाप खाओ ना। आदमी है तू भी ना। अरे ये तो तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे आप भी यहाँ आ गए, आपकी वजह से मेरी वो नौकरी चली गई, अब आप यहाँ ढाबे पे भी आए हैं। और हाँ, उस दिन पुलिस वाले आपके बारे में क्यों पूछ रहे थे? आपने कुछ गलत किया है क्या? सब तेरी वजह से हुआ है। यार पहले कुछ खाते हैं, बाद में से देख लेंगे। ए यहाँ पर फेमस क्या है? यहाँ फेमस तो मैं ही हूँ। अरे अबे यार, मेनू में। अरे वो सब छोड़िए ना सर, चल के बैठिए आप, पहले कुछ खाने को देता हूँ। ये
ना सर। अरे आज तो किस्मत अच्छी है। कोल्ड ड्रिंक मांगा था, बियर बॉटल देके गया है। क्यों, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं है क्या? ठंडी नहीं है क्या वो? चुपचाप पी ले उसे। तेरी तो। उस कार में यहाँ कोई आया था? पता नहीं सर। ठीक से याद करो, इसी गाड़ी में यहाँ आकर पकौड़े पार्सल लिए थे, लेस पैकेट्स वाटर बॉटल लेके गए थे। हाँ सर। इस फोन से कॉल भी किया था सर, मैं चेंज दे रहा था तो लिए बगैर ही चला गया। ए गौतम, इस फोन से कौन से कॉल्स गए हैं डिटेल्स पता लगा कर बताओ। ये यहां इनके साथ क्यों आया है? नमस्ते सर। सर पूरे चार कॉल्स गए थे सर। फर्स्ट कॉल 20 मिनट्स, सेकंड कॉल 15 मिनट्स, थर्ड कॉल 30 सेकंड्स, फोर्थ कॉल 10 मिनट्स। थर्ड कॉल की ड्यूरेशन क्या थी? थर्ड कॉल ड्यूरेशन 30 सेकंड्स सर। ये 30 सेकंड्स नंबर कॉल को ट्रेस करो। ओके सर। खाने के लिए क्या ला रहे हो? अरे नहीं सर, कुछ देर में मेरी चिड़िया लेकर आएगी। ओके सर। क्या? I love you. मतलब? I love you कहने पे मीटू कहते हैं, मतलब नहीं पूछते। मैंने पूछा ना? मैंने कहा ना, तुम वहां मत जाओ। मैं पुलिस यूनिफॉर्म में गुंडा हूँ, मुझसे प्यार कैसे हो गया? मैं भी तो चोरी हूँ ना। हाँ ठीक है, आ जाओ। देखा उसे? क्या हुआ इसे? हाँ? ये तो अच्छे से सेटल हो गई यार। लेडी पुलिस होती तो अच्छा होता यार। तू सर, इस नंबर पर कॉल आ रहा है सर। फ्रॉम एंड टू एड्रेस चेंज करो। डन सर, कॉल इज फ्रॉम बावर्ची कमान। टू कॉल to Ramayya Rangasai Pet. Let's go.
सब हम नहीं जानते सर, जाइए। किडनैप हुए 2 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं लगी है। समझ में नहीं आ रहा है सीएम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे तो उन पर शक हो रहा है। उस दिन आपने ही तो कहा था कि आपको उन पर यकीन है, क्यों सर? उस दिन तो कहा था लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसीलिए मुझे शक हो रहा है। 2 दिन हो गए हैं लेकिन किसी को कोई परवाह है नहीं। हमारे बीच झगड़े हो सकते हैं लेकिन बेचारी छोटी बच्ची, उस पर भी दया नहीं आई। सर, जवाहर रेड्डी की बेटी की किडनैप के बारे में आपने जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन के लिए सिफारिश नहीं की, ऐसा होम मिनिस्टर ने आरोप लगाया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? उन्होंने खुद कहा था उन्हें मुख्यमंत्री और उनके प्रशासन पर पूरा भरोसा है। देन नो कमेंट्स। छोडू, 4 चाय। 2324 26, इस नंबर से किसने कॉल किया? ओके, कॉल करने वाले का रूम नंबर क्या है? 226 सर। जी सर। हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो किडनैप? राजेश, ये मेरे बचपन का दोस्त है। हमारे सारे अच्छे फ्रेंड्स ही हैं ना, तो किडनैप? राजेश, राजेश, राजेश रूपा से प्यार करता है सर। हेलो रूपा। मेरे लवर जेल में है यार, कुछ भी करके बाहर लाना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा यार। क्या इससे हमारे देश का भला होगा? नहीं। और कितने दिनों तक आर्यभट्ट के शून्य का फॉलो करेंगे? आर्यभट्ट का आविष्कार शून्य, कृष्ण का आविष्कार गीता।
वैसे बच्ची कहाँ है? बच्ची हमारे पास रहेगी तो कोई देखकर पहचान लेगा सर। बच्ची को मेरे पापा के पास छोड़ देते हैं और कार यहीं पर छोड़ देते हैं। हेलो सर। हेलो। वी हर्ड दैट टुमारो यू आर गोइंग टू मीट आवर गवर्नर विथ योर एमएलए। इज दैट न्यूज़ ट्रू? सीएम मेरी बेटी के किडनैप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे लोग कहते हैं कि आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे किसी कुर्सी का लोभ नहीं है। अगर कुर्सी का लोभ होता तो होम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा नहीं देता। मुझे मेरी बेटी चाहिए। बच्ची 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 कहाँ है? सर 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 बोलो बेटा। हमारे पीछे पुलिस लगी है, आप ध्यान रखना। राजा भाई, हमारा बच्चा होम मिनिस्टर की बेटी को उठा कर ले आया। पवन क्या हुआ? वेरायटी आई सर, कल तक लेकर आ जाऊंगा। सर उसका नाम राजा भाई है, बंटीपल्ली में घूमता रहता है। इसे देखा है? नहीं सर।
बताओगे? दिखा दूंगा सर। पुलिस वाला है, उसने ट्रेनिंग ली होगी, उस ट्रेनिंग में उसे फाइट सिखाई गई होगी, इस बात का किसी में डर नहीं है। मैं उस बच्ची को किडनैप करने के लिए स्कूल गया था। मुझे वो बच्ची वहां नहीं मिली। मेरे दोस्त रामैया ने मुझे फोन किया था। मेरा भी फाइनल कंफर्म हो गया है। और भाई कल सीएम बन रहे हैं। अरे वाह, कल तो पार्टी होगी, क्या बात है, वाह भाई वाह। सर सर सर, क्या हुआ था सर? सर क्या हुआ था सर? मेरी बेटी मिल गई, मुझे खुशी हुई, लेकिन अब मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ। मेरी बेटी को ढूंढने के लिए जनार्दन नायडू को मेरा धन्यवाद। थैंक्स बेटा, मेरी बेटी को ढूंढ कर लाने के लिए। कुर्सी के लिए खेल खेलो, लेकिन अपनी ही बेटी को उठवा कर नहीं। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या हुआ जीजू? कुछ तो प्लान करना होगा। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक प्लान है। अपनी बच्ची को हम ही किडनैप करते हैं। मुझे सीएम बनाने के लिए मेरी बेटी को ही किडनैप करोगे? करेक्ट सर, कुछ और किया तो पकड़े जाने का खतरा है सर। अपनी बच्ची को मैं ही लेकर जाऊंगा सर, मेरे पास रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, सिंपथी भी क्रिएट होगी, एमएलए को भी खरीद लीजिएगा। वो दिल्ली से आया हुआ कोई सील्ड कवर सीएम नहीं है। गली से इलेक्शन में जीत कर आया हुआ सीएम है। ध्यान से काम करना,
कुर्सी और 3 साल हो गई, बच्ची को पता चल गया तो? प्लीज ये बात किसी को मत बताना। अब मुझे क्या करना है बताओ। मेरे पैसे कहाँ गए? अरे मैं किसे कंप्लेन करूँ? मुझे पता नहीं है सर, मेरे पैसे, मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे पता नहीं है सर, मेरे पैसे, मैं नहीं जाता। सर्वर एक्सेसिंग, सर्वर इनिशियलाइजिंग। या डन। मैनेजर के रूम में है। यूनिक पासवर्ड चाहिए। क्या है यार? तुम 4 इंटेलिजेंट्स को ले लो। टास्क 1, कोई डोर ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है? किसी कैमरा में दिखाई भी नहीं दे सकते। 2000 करोड़ के साथ कस्टमर्स के पैसे भी चुरा लो। ठीक है जी, केस मैं ही डील करूंगा। मतलब चोर हम नहीं, ये है। वैसे पैसे कहाँ हैं यार? Thank you.
तो ये बताओ हमें क्यों पकड़ा? अगर ब्लैक मनी वाले हमें कुछ करे तो? मेरे पैसे गए, कुर्सी भी चली गई। ये सब करने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। रूल्स आर मेड बाय इंटेलिजेंस, ब्रेक बाय इडियोटिक इंटेलिजेंस।